ठीक। तो आज हम फर्स्ट डे पढ़ने वाले हैं, डे वन। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक हम पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल। क्लियर है? ओके बेसिकली सर। ओएसआई मॉडल के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ। जैसे जी आपने सर। देखा होगा, इन बिटवीन 2000 और 2020 में बहुत सारे चेंजेस आए मोबाइल फोन में, जी 2000 और 2020 के बीच में। कैसे? अगर आप 2000 से लेके 2007 तक जाते हैं, और अगर जी आपके एक यूजर के पास नोकिया मोबाइल फोन है और दूसरे यूजर के पास एक आईफोन है, क्या डेटा जी शेयर कर सकते थे? नहीं डेटा शेयर नहीं होता था। अब देखिए नहीं प्रॉब्लम आ होता गई थी। अब उन्होंने क्या जी। करा, डेवलपर्स ने अब एक क्या करा, 2010 से 2020 में कुछ जी एप्लीकेशन सर। डेवलप करी। जैसे आपकी एक जी सर। एप्लीकेशन है शेयर इट, शेयर इट यस सर। ये सुनो, थर्ड पार्टी यस सर। एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर इसमें क्या होता एप्लीकेशन। है, इसमें क्या होता है एप्लीकेशन में, कि भाई अगर आपके पास एक नोकिया ब्रांड या कोई अदर ब्रांड का मोबाइल फोन है और एक आईफोन है, तो आपका डेटा जी क्या हो सर। सकता है, शेयर्ड हो सकता है। शेयर हो सकता है जी सर। लेकिन 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 इस डेटा को शेयर करने के लिए एक एनवायरमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लैन। इनवर लैन क्या होता है, एक लोकल एरिया में रखते हैं दोनों डिवाइस को। जी सर। क्लियर है? चलो अब जी देखो सर। ओएसआई मॉडल भी कुछ ऐसे काम करता है। बेसिकली क्या होता है, ओएसआई जी मॉडल को सर। क्या बोलते हैं, मैं उसके फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसे बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन। क्लियर ओके है? ओएसआई को जी किसने सर। डेवलप करा था? आईएसओ ने ISO डेवलप करा, आईएसओ। ISO क्लियर? जी सर। इंटरनेशनल सुनो स्टैंडर्ड सर। ऑफ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड, ऐसे करके बोलते हैं इसको। जी सर। क्लियर है? आईएसओ जी ने इसको सर। डेवलप करा था 1979 में। जी सर। इसमें करा था 1979 1979 में, नाइन और चेंजेस होते गए तो कुछ इयर्स आगे पीछे मिलेंगे बुक्स में, लेकिन बना कब था, जी 1979 में। नाइन में अब ओएसआई को बनाने का नाइन रीजन क्या था? जैसे आपने देखा होगा, आप अगर एक होम यूजर है तो आपके पास पीसी होता है। जी। कंप्यूटर पीसी को बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? पर्सनल पर्सनल कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर। अब ये किस लिए यूज होता था? डेटा सेव करने के लिए, जी लिसन सर। ऑफ, फाइल्स क्रिएट यस सर। करने के लिए। अब सपोज करो यस आपने सर। एक पीसी परचेस करा, ये पीसी परचेस करा। अब क्या होता जी था, सर। पहले आपके पास सिर्फ तीन ही वेंडर थे। वेंडर कौन कौन से थे जो डिवाइस देते थे पीसी? एक था आपके पास आईबीएम, दूसरा जी सर। कौन था, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट, और तीसरा वेंडर था एप्पल। एप्पल अब इन्हीं जी तीन ही सर। वेंडर्स के क्या चलते थे, पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर इन्होंने क्या जी। बोला, इन वेंडर्स ने क्या करा, इन वेंडर्स ने बताया कि जब भी कोई यूजर पर्सनल कंप्यूटर परचेज करता है तो हम उसको गाइडलाइंस गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। क्या देते हैं? कुछ गाइडलाइंस बता देते हैं। उन्होंने क्या जी बोला, गाइडलाइंस में क्या लिखा, कि सेम वेंडर डिवाइस कैन जी कम्युनिकेट, क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरी लाइन में क्या लिखा उन्होंने, सेम वेंडर डिवाइस कैन सेंड शेयर रिसीव अ सेंड एंड डेटा, रिसीव क्या कर ओके सकते हैं, सेंड और रिसीव सेंड एंड डेटा को, रिसीव डेटा ओके सर। डेटा फाइल्स। ओके, राइट डेटा नाउ उन्होंने रेड मार्कर यूज करा, और थर्ड में क्या लिखा, डिफरेंट वेंडर डिवाइस वी कैन नॉट कैन नॉट कम्युनिकेट, नॉट शेयर बात ही नहीं कर सकते। जी। फोर्थ गाइडलाइंस में क्या लिखा, डिफरेंट वेंडर कैनॉट सेंड डिवाइस एंड रिसीव कैन नॉट सेंड एंड शेयर रिसीव डेटा फाइल्स। क्लियर है यस आप? सर। चलो अब ये प्रॉब्लम आ गई। अब सपोज करो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में थे, उस टाइम आपने जी एक जी पर्सनल कंप्यूटर परचेस करके दिया, आपने अपनी एडमिन टीम को, एक आपने सीयू को दे दिया, सीयू को जी पास भी एक पीसी है। अब इन दोनों को जी जी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए आपने एक केबल यहां से लाके इसमें लगा दी, यहाँ जी तो अब सर। ये कैसी कनेक्टिविटी के साथ कनेक्टेड है, फिजिकल, लोकल फिजिकल फिजिकल। और ये कौन है, यूजर वन, और यहाँ पे कौन ये है, यूजर यूजर टू टू। लेकिन प्रॉब्लम क्या है नईम जी, प्रॉब्लम जी ये है, सर। यूजर वन यूज कर रहा है आईबीएम पीसी और जी यूजर सर। टू यूज कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट पीसी। तो माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होता था उस टाइम? नहीं होता नहीं, बिना ओएसआई के तो नहीं होता सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। नहीं होता अब सर। ओएसआई ने क्या करा, ओएसआई ने क्या बोला, विद द हेल्प ऑफ ओएसआई मॉडल, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ओएसआई ओएसआई मॉडल मॉडल, डिफरेंट वेंडर वी कैन डिवाइस सी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन पॉसिबल। पॉसिबल हो सकता है,
क्लियर है जी सर। अब यहाँ पे ओएसआई ने क्या बोला, ओएसआई मॉडल प्रोवाइड लेयर्स, क्या प्रोवाइड कराई उसने, लेयर्स। ओएसआई मॉडल को आप लैपटॉप पीसी में नहीं देख सकते, ये एक ऐसा कैसा मॉडल है, लॉजिकल रेफरेंस मॉडल। क्लियर है, चलो जी सर। अब ये क्या होता है, ओएसआई मॉडल को अगर आप बुक्स पढ़ते हैं कहीं पे, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो आप बोल सकते हैं ओएसआई मॉडल एक ब्लूप्रिंट है। क्या है आपके लिए ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट का मतलब जब भी कोई वेंडर डिवाइस बनाएगा तो वो ओएसआई मॉडल की कंपैटिबिलिटी को चेक करेगा, चेक करेगा। क्लियर है, चलो। अब ओएसआई मॉडल ने क्या प्रोवाइड कराई, लेयर्स। तो देखो ओएसआई मॉडल लेयर इंफॉर्मेशन, हम क्या बात करने वाले, लेयर इंफॉर्मेशन। तो पहली जो लेयर होती है उसे बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन जी सर। क्लियर है, लेयर नंबर 7। फिर आती है आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर, लेयर नंबर 6। फिर आती है आपके पास सेशन लेयर, फिर आती है आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आती है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। फिर आती है आपके पास डेटा लेयर, फिर लास्ट में एक लेयर आती है आपके पास फिजिकल। क्लियर है जी सर। तो कितनी लेयर्स हैं, 7। प्रेजेंट कैसे करना है वो भी बताया, लेयर 7 कौन सी होती है, एप्लीकेशन। लेयर 3 कौन सी होती है, नेटवर्क। अब देखो इन इंटरव्यूज में क्वेश्चन कैसे करते हैं, इंटरव्यूज में क्वेश्चन होते हैं, या आपको अगर पूरा प्रोसेस सीखना है ओएसआई मॉडल का तो 1700 पेज की एक बुक आती है जिसपे आप पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें पीएचडी नहीं करना, अभी हमें क्या समझना है, नॉलेज। यहाँ पे मैंने पीसी 1 बनाया और क्या लगा दिया, पीसी 2। अब इन दोनों की कनेक्टिविटी कर दिया मैंने जी, दोनों कैसे कनेक्टेड है, फिजिकल। बहुत, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनका नाम है बॉब, क्या नाम है यूजर का, बॉब, कैरेक्टर नेम। ये कौन है, सैम। ओके सर। अब बॉब क्या बोल रहा है, डियर ब्रदर मुझे कुछ डेटा ट्रैफिक को क्या करना है आपको, सेंड। तो बॉब कौन सी साइड पे बैठा हुआ है, फ्रॉम सेंडर, फ्रॉम सेंडर साइड। और सैम क्या करेगा डेटा को, रिसीव, फ्रॉम रिसीवर। क्लियर है, चलो। अब देखो बात समझो, ओएसआई मॉडल को बहुत छोटे फॉर्म में समझाता हूँ। अब बॉब को जब भी डेटा सेंड करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, डेटा जनरेट करना। डेटा जनरेट करने के लिए बॉब क्या यूज कर सकता है, एप्लीकेशन या सर्विस या ब्राउजर, यही काम कर सकता है। सुनो, तो देखो अब बॉब ने क्या बोला कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ, कौन सी एप्लीकेशन है मेरे पास, व्हाट्सएप। तो बॉब ने पहले कौन सी एप्लीकेशन खोली, व्हाट्सएप। तो उसने कौन सी लेयर का यूज करा, एप्लीकेशन। अब जब बॉब ने एप्लीकेशन लेयर ओपन कर ली, उसके बाद उसने क्या बोला, अब मुझे इस लेयर से क्या जनरेट करना है, इस लेयर से क्या जनरेट करना है, इस लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर पे वो क्या जनरेट करेगा, डेटा। जो हाई मैसेज लिखेगा वो किस पे लिखेगा, एप्लीकेशन लेयर को ओपन करके। जब एप्लीकेशन लेयर से डेटा जनरेट करा तो अब वो लेयर कौन सी पे गया, प्रेजेंटेशन। अब आपने जो डेटा लिखा है वो कौन सी फॉर्मेट में है, डेटा प्रेजेंटेशन, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में था, क्योंकि बॉब ने कौन सा मैसेज भेजा था, हाई मैसेज। एप्लीकेशन यूज करके कौन सा मैसेज जनरेट करा, हाई मैसेज। और उसको प्रेजेंटेशन लेयर क्या कर रही है, रिस्पॉन्सिबल है, क्या है उसके लिए, रिस्पॉन्सिबल है। प्रेजेंटेशन रिस्पॉन्सिबल है कि उसका जो टेक्स्ट वाला डेटा है वो सैम को एज इट इज देना है। क्लियर है जी। प्रेजेंटेशन लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, डेटा के लिए, डेटा टाइप क्या है। चलो ओके सर। अब प्रेजेंटेशन लेयर के बाद बॉब गया कौन सी लेयर पे, सेशन, सेशन लेयर। वहां पे उसने चेक करा कनेक्टिविटी, मोबाइल डेटा ऑन है या ऑफ है। नहीं, अगर ऑन होगा तभी तो सेंड होगा, ऑफ होगा तो क्लॉक बनी आ जाती है वेटिंग में। चलो जी, सेशन लेयर के बाद डेटा किस पे पहुंच गया, ट्रांसपोर्ट पे। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह डेटा। अब डेटा को ले आते टाइम आप दो तरीके की सर्विस यूज करते हो, एक होती है पेड, एक होती है फ्री। पेड सर्विस में डेटा डिलीवरी गारंटी हो सकती है, पेड सर्विस जो आप लेते हो कोरियर सर्विस, वो क्या होती है, सर्विस डेटा डिलीवरी गारंटी लेते ना, कि आपको जो डिलीवर होगा ही होगा। और अगर आप
फ्री सर्विस को यूज करते हो तो गारंटेड मिलती है क्या? नहीं। तो आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल यूज करते हो, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी रिलायबल और यूडीपी अनरिलायबल। अब ऐसे बात कि जब भी ट्रांसपोर्ट लेयर से कोई डेटा जाएगा, अगर उसका एक्नॉलेज आ गया, यानी डेस्टिनेशन ने रिसीव करने के बाद मुझे एक मैसेज करा आई एम रिसीव, तो वो रिलायबल है। अगर नहीं करा तो कैसा है? अनरिलायबल। ओके सर। जैसे आप बैंकिंग यूज करते हो, नेट बैंकिंग। जी सर। जैसे नेट बैंकिंग यूज करते हो आप, तो नेट बैंकिंग में जब भी पैसे भेजते हो, सेंड करते हो या रिसीव, तो आपके पास एक मैसेज आता है डियर। क्या आता है? मैसेज। मैसेज से पता चलता है कि ये आप जो नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो ये रिलायबल है। अगर नेट बैंकिंग यूज करते टाइम आपके डेबिट क्रेडिट का मैसेज नहीं आया, क्या रिलायबल है? नहीं नहीं। चलो, अब ट्रांसपोर्ट लेयर से आप पहुंच गए किस पे? नेटवर्क, नेटवर्क लेयर पे। अब नेटवर्क लेयर पे बिना मोबाइल नंबर के आप मैसेज भेज सकते हो? नहीं, नहीं हो सकता। यानी डेस्टिनेशन का आपको मोबाइल नंबर पता होना चाहिए और आपके खुद का भी क्या होना चाहिए? मोबाइल नंबर। नेटवर्क लेयर आपके नेटवर्क में क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक आईडी यानी आईपी एड्रेस लगाती है। क्या लगाती है? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस। चलो, अब नेटवर्क लेयर पे आईपी लगा, फिर किस पे गया ये? डाटा, डेटा लिंक पे। अब देखो क्या होता है, मोबाइल जब आप परचेस करते हो तो उसके साथ आईएमआई नंबर मिलता है। जी सर। वो आईएमआई नंबर से आप क्या कर सकते हो? उस हार्डवेयर की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है, यस और नो? और हार्डवेयर जो बनता है वो कौन बनाता है? वेंडर। तो आईएमआई नंबर किसने असाइन करा? वेंडर ने। तो डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस लगते हैं। क्या लगते हैं? मैक एड्रेस, यानी हो सकता है अब हार्डवेयर एड्रेस। हार्डवेयर एड्रेस। जी सर। क्लियर है? चलो जी, अब आपका डेटा किस पे आया? फिजिकल पे। अब आपका कंप्यूटर हाई मैसेज समझ सकता है? नहीं जी। कंप्यूटर तो कौन सी लैंग्वेज समझता है? 01। यानी डेटा फिजिकल लेयर पे किसमें कन्वर्ट हुआ? बिट में, बाइनरी में। बाइनरी में हो गया कन्वर्ट। अब डेटा कन्वर्ट होने के बाद किसका हैंडओवर हो गया? सैम को। वायर से जा रहा है, सैम के पास आया। अब सैम कौन सी लेयर पे पहले डेटा रिसीव करता है? आपके पास व्हाट्सएप का हाई मैसेज आता है, वो कौन सी लेयर पे आता है पहले? फिजिकल। फिजिकल पहले वो टावर पे सिग्नल्स आते हैं, ये सुनो जी। और टावर पे आपकी रजिस्ट्रेशन होती है मोबाइल नंबर से, तो वो तब आपके पास आता है। तो सैम ने फिजिकल पे लिया और इस फिजिकल डेटा को किस पे दे दिया? आप डेटा पे। उसने बोला आइडेंटिफाई कर भाई कौन सोर्स है और कौन डेस्टिनेशन, लेकिन मैक एड्रेस देखना, हार्डवेयर एड्रेस। अब डेटा लिंक ने बोला मैं आपको कौन सी लेयर दे रहा हूँ? नेटवर्क। नेटवर्क लेयर। नेटवर्क पे क्या देख लो? आईपी एड्रेस। अब नेटवर्क के बाद कौन सी लेयर पे आया? ट्रांसपोर्ट। डेटा अगर रिसीव होगा तो मुझे रिप्लाई करना है, आई एम रिसीव वाला। चलो देख लेंगे। जी सर। अब उसने कौन सी लेयर पे दे दिया? ट्रांसपोर्ट के बाद। सेशन। कि मेरा मोबाइल डेटा ऑन है या नहीं। चलो, अब उसके बाद किस पे गया? प्रेजेंटेशन। कि डेटा कैसा आया था? टेक्स्ट में आया था या ऑडियो फाइल थी? कभी ऐसा हुआ है कि आपने टेक्स्ट मैसेज भेजा हो और ऑडियो में कन्वर्ट हो गया? पॉसिबल है? नहीं, नहीं सर। तो बैकएंड में कौन सी लेयर? प्रेजेंटेशन लेयर चल रही होती है, रिस्पॉन्सिबल। अब ये डेटा किस पे दिखेगा आपको? एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन कौन सी वाली? व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप वाली। क्लियर हुआ इतना? तो सेंडर के सेंडर के टाइम पे कौन सी पहली लेयर होती है बताइए? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। और रिसीवर के टाइम पे कौन सी पहली लेयर होती है? फिजिकल। फिजिकल। क्लियर है? जी सर। क्लियर है इतना? चलो, अब आ जाओ, हम पहली लेयर ही पढ़ेंगे क्योंकि हम सेंडर है। कौन है हम? सेंडर। सेंडर है। पहले डेटा जनरेट करना सिखाना पड़ेगा ना, तो एप्लीकेशन से होगा। तो आपकी पहली लेयर से बात करते हैं हम, कौन सी है? एप्लीकेशन। देखो, मैं एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ किस लिए यूज होती है। इन दिस लेयर यूजर जनरेट अ डेटा ट्रैफिक विद द हेल्प ऑफ applications, इसके हेल्प से, applications की हेल्प से, and services, clear? क्या करता है? In this layer, user generate data traffic with the help of application and services. Application layer, service, responsible to generate data traffic. क्या generate करने के लिए? डेटा ट्रैफिक को जनरेट करने के लिए। क्लियर है? चलो, अब देखो आपके पास एक क्वेश्चन आया सर, एप्लीकेशन क्या होती है? जैसे आप जाओ विंडो पे क्लिक करो, मैंने बोला कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर के आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है?
नीचे देखिए, देखिए जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कैलकुलेटर लिखा, ऐप लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ऐप ठीक है, एप्लीकेशन। अब मैंने जैसे लिखा एमएस पेंट, तो ये भी क्या है? जी जी आप एप्लीकेशन है। जी चलो मैंने लिखा रन, ये भी क्या है? आप, चलो मैंने लिखा कंट्रोल पैनल, ये भी क्या है? एप्लीकेशन। चलो मैंने लिखा फायरवॉल, ये भी क्या है? एप्लीकेशन। दिख रहा है ना? चलो अभी इन सबको जब मैं यूज करूंगा तो मैं क्या जनरेट करूंगा? डेटा, एप्लीकेशन डेटा। जी सर, यस और नो? चलो अब ये जो मेरा ब्राउजर है, आप देख रहे हैं जो ब्राउजर है, अगर मैं यहाँ पे गूगल लिखूंगा तो ये मुझे इंटरनेट सर्व करा देगा? जी सर। यस और नो? नईम जी, हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस सर, जी सर, थोड़ा स्लो हो रहा है जी सर, लग रहा वीडियो रुक रहा सर, आप जो टाइप कर रहे सेम टाइम पे नहीं आ रहा। एक बार रीज्वाइन कर लीजिए अगर इशू आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है नईम जी, एप्लीकेशन लेयर पे मैंने एप्लीकेशन यूज करी डेटा जनरेट करने के लिए। सपोज करिए मैंने ब्राउजर ओपन करा और यहाँ पे गूगल लिख के एंटर कर दिया, तो मेरे पे गूगल इंटरनेट सर्व कर सकता। अब ऐसा कोई आउटपुट है कि विदाउट एनी ब्राउजर आप इंटरनेट सर्व कर सकते हैं? नहीं। गूगल यूट्यूब देख सकते हैं? नहीं। अब एप्लीकेशन तो यूज करनी करनी है। अब ब्राउजर भी क्या है मेरे लिए? एप्लीकेशन। देख लो आप, क्रोम लिखो, क्रोम पे क्या लिखा रहा है? एप्लीकेशन। तो अब ये एप्लीकेशन से ही डेटा जनरेट होगा, लेकिन एप्लीकेशन लेयर के साथ साथ आप क्या यूज कर सकते हो? सर्विसेज। सर्विस। अब देखो सर्विस कौन कौन सी यूज करते हैं मैं लिख देता हूँ। जो बेसिक आपकी जो सर्विसेज हैं जो रियल टाइम में यूज होती हैं, एचटीटीपी। जी सर, एचटीटीपीएस, एफटीपी, डीएनएस। डीएनएस क्लियर है? चलो जी सर, अब एप्लीकेशन लेयर ही आपको एक और एडवांस डिटेल बताती है, उसे बोलते हैं फीचर्स। क्या प्रोवाइड कराती है? फीचर्स। फीचर्स क्लियर है? चलो जी सर, फीचर्स में आपके पास दो फीचर होते हैं, एक होता है ऑनलाइन, ऑनलाइन दूसरा ऑफलाइन, और ऑफलाइन एक होता है आपके पास फीचर नोटिफिकेशन का। जी सर, नोटिफिकेशन। तो अब ये जो आपको सर्विसेज सीखनी है, अब इनके बारे में बात करते हैं कैसे करना है। बेसिकली इन सर्विस सीखने के लिए आपको एक स्मॉल डायग्राम दिखा देता हूँ, मैं बना रहा हूँ। जैसे आपका होम यूजर भी हो सकता है, ऑफिस यूजर। ये यूजर का एक पीसी है, यूजर किससे कनेक्ट होता है? मॉडेम से। मॉडेम से। और मॉडेम को कौन कनेक्ट करके जाता है? आईएसपी। क्लियर है? तो ये डायग्राम याद रखना है, यही हमें ओएसआई क्लियर करवाएगा। क्लियर है? ओके सर। चलिए क्लियर है? ओके सर। बात करते हैं अब यूजर को, नईम जी डेटा जनरेट करना है तो मैंने क्या ओपन करी यहाँ पे? एक एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में कोई भी ब्राउजर यूज कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक ब्राउजर यूज करा है g.c, यानी गूगल क्रोम। चलो अब गूगल क्रोम पे मैंने कौन सी टैब ओपन करी? टैब नंबर 1। और टैब नंबर 1 पे मैंने क्या करा? टैब नंबर 1 पे गया और टैब नंबर 1 पे मैंने कौन सी वेबसाइट ओपन करने के लिए ट्राई करा? CCNA। लिखा CCNA और जैसे ही लिख के मैंने इस पे कि जैसे ये वर्ड लिखा और एंटर करा, यूजर ने क्या जनरेट कर दिया वहां पे? यूजर ने क्या बोला? मैंने क्या जनरेट करा है? डेटा। और ये डेटा यूजर ने जनरेट करा और किसको हैंड ओवर करने के लिए कर दिया? ये यूजर से मॉडेम। मॉडेम ने किसको दे दिया? आईएसपी को। आईएसपी। अब आईएसपी ने क्या करा? आपको रिप्लाई करा मॉडेम ने किसको दिया? यूजर को। यूजर को। यूजर ने कहां से जनरेट करा था डेटा? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। उसने एप्लीकेशन को हैंड ओवर कर दिया। एप्लीकेशन ने जैसे ही डेटा लिया, उसने बोला मैंने एक वेबसाइट ओपन करी है। एचटीटीपी। कौन सी वेबसाइट ओपन करी? http://ccna.com। अब देखो इसने एक बैकएंड में एक सर्विस यूज करी, आप देख के बता सकते हैं कौन सी सर्विस है? सर्विस का नाम क्या है? HTTP। अब देखो HTTP के बारे में थ्योरी पढ़ लेते हैं। बेसिकली HTTP को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
क्लियर है? चलो अब देखो इसमें क्या होता है, व्हेनेवर यूजर यूज एचटीटीपी सर्विस एंड ट्राइंग टू सेंड एंड रिसीव डेटा ट्रैफिक, ऑल डेटा ट्रैफिक प्लेन टेक्स्ट किसमें होता है? प्लेन टेक्स्ट कोई भी देख सकता है। दूसरा, इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर कनेक्शन इज नॉट सिक्योर्ड। सिक्योर कनेक्शन क्या नहीं है आपका? सिक्योर नहीं है सर। किसके बीच में? क्लाइंट और सर्वर और सर्वर के बीच में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, डेटा इंक्रिप्शन प्रोसेस नेवर परफॉर्म। क्या नहीं होता उस पर डेटा? इंक्रिप्शन का नेवर परफॉर्म, इंक्रिप्शन ही नहीं होता। चलो दूसरी बात खत्म हो गई, अब नेक्स्ट। इंक्रिप्शन सिक्योरिटी सर। यस यस, इंक्रिप्शन मींस सिक्योरिटी। जैसे आपने ए लिखा और उस पर मैंने कोई पासवर्ड लगा दिया 1 2 3, अब जब तक वो पासवर्ड आपको नहीं पता तो आप ए देख ही नहीं सकते। क्लियर है? जब आपको अकाउंट डिटेल देखनी होती है, बैलेंस ओटीपी डालना पड़ता है या पासवर्ड, जी जी, तो आपके अकाउंट को डिक्रिप्ट करके आपको शो कराता है। इफ यूजर यूज एचटीटीपी सर्विस एंड ट्राइंग टू सेंड क्रेडेंशियल, क्या देने की कोशिश कर रहा है वो? क्रेडेंशियल, यूजर नेम पासवर्ड। इन बिटवीन क्लाइंट एंड यूजर, क्लाइंट एंड सर्वर, समवन कैप्चर ऑल डेटा ट्रैफिक एंड स्निफ ऑल डिटेल्स। क्या कर सकता है वो? डिटेल्स को स्निफ कर सकता है। क्लियर है? तो इसलिए हम एचटीटीपी को कभी यूज नहीं करते। अब देखो याद रखना एक बात, जब भी आप एचटीटीपी की सर्विस यूज करोगे तो उसका पोर्ट नंबर क्या होता है? 80। क्लियर है? चलो जी सर। अब देखो, अब इस यूजर ने ये वेबसाइट लॉग इन करी, इस वेबसाइट पे लॉग इन आ रहा था कि भाई यूजर नेम डालो और अपना पासवर्ड डालो। चलो अब देखो इस यूजर ने क्या बोला, मेरा भाई यूजर नेम है एडमिन, पासवर्ड है इसका 1 2 3 4 5। हो गया? Okay. अब इस यूजर ने डेटा तो सेंड कर रहा है, यस और नो? अब yes, मैंने sir. क्या बताया कि आपके पास ऐसा कोई टूल ही नहीं है जिसपे आप डेटा कैप्चरिंग को स्टॉप कर दो रियल टाइम में। इस मॉडेम yes. से अटैकर ने अपना क्या अटैच करा? लैपटॉप। क्या अटैच करा भाई? लैपटॉप। और अटैकर ने लैपटॉप अटैच करा, और जो आप डेटा भेज रहे थे ना, जो आप डेटा भेज रहे थे, अब अटैकर ने उस डेटा को किधर की तरफ कैप्चर करा? इस साइड। और जैसे ही कैप्चर करा, उसने देखा इस डेटा ट्रैफिक के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। देखो क्या क्या है, वेबसाइट्स नेम, दिख गया? ओके सर। क्या मिला उसको? देखो, यूजर नेम, पासवर्ड, पोर्ट नंबर। क्यों मिल गया ऐसा नेम जी? क्या हुआ? कोई रीजन होगा ना मिलने के लिए भी तो? जी सर, वेबसाइट में। अब इसमें क्या बोला उसने? उसने जी. बोला कि मैंने एचटीटीपी यूज करी थी। एचटीटीपी का मतलब ये होती है प्लेन टेक्स्ट। जो भी डेटा जाएगा वो कैसे जाएगा? प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। कैसे जाएगा? प्लेन टेक्स्ट में। यानी कोई भी इस डेटा को कैप्चर कर सकता। अब ये इन्फॉर्मेशन क्लियर कैसे होगी, ये सही है गलत है? तो मैं यूज करता हूँ फायरफॉक्स ब्राउजर। कौन सा? फायरफॉक्स। फायरफॉक्स ब्राउजर। इस ब्राउजर पे आप अपने सभी जितने भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो या लॉग इन करते हो, सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हो। क्लियर है? तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, एचटीटीपी वेबसाइट। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको एचटीटीपी वेबसाइट। इस पे चलते हैं, वेट करो, सर्च होने दो। जी सर। हेलो। यस सर। हाँ हाँ, मैं अभी कॉल आ जाएगी मैडम की आपके पास। हाँ हाँ, मैम को बोल दिया, वो कॉल कर लेंगे आपको, फिर मैं बात कर लूंगा आपसे। ठीक है, परेशान मत होइए, मैं खुद ही कॉल करूंगा, मेरे थोड़े बैच ज्यादा होते हैं। ठीक है, चल। अब देखिए नईम जी, मैंने क्या करा यहाँ पे, सर. एक वेबसाइट ओपन करी, एचटीटीपी स्क्रैच पे, दिख रही है वेबसाइट? जी सर। अब इस पे देखो, इसके लॉक के ऊपर एक सिंबल बना दिख रहा है, रेड कलर का साइन। जी सर।
इस पे क्लिक करो और लाइन को पढ़ो क्या लिखा हुआ है रेड में, कम्युनिकेशन नॉट सिक्योर, कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। अब क्लिक करो इस पे और ये लाइन पढ़ो, यू आर नॉट सिक्योरली कनेक्टेड टू दिस साइट साइट। और नीचे वाली लाइन जी सर, योर कनेक्शन बिल्ड्स इज बहुत स्लो, कोई नहीं, ये देखिए आप, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट information you could submit could be viewed by other like password, credit password, card, message, etc. कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन दी तो कोई भी देख सकता है। अब देखो यहाँ पे, देखो जनरल में जाओ, डेटा कैसे जा रहा है आपका, टेक्स्ट में जा रहा है, टेक्स्ट में सिक्योरिटी में जाओ और ये लाइन देखो क्या लिखा है इसने, पहले क्लियर कर दिया, कनेक्शन इज नॉट encrypted, yes or no? Information sent over the internet. अगर कोई information internet पे गई है, वो कैसे गई है? Without encryption. ठीक है भाई, भेजा ही नहीं उसने encrypt करके, कोई नहीं। Can be seen by other people. ये कहने का मतलब ये है कि कोई भी देख सकता है। While it is in transit. Transit का मतलब कि जब भी send और receive हो रहा हो, कोई भी उठा के देख लेगा आपकी website. Okay sir. तो आप कभी भी real time में HTTP use कर सकते हैं? नहीं। क्लियर है, तो हमेशा याद रखना, अगर आपको देखना है कि ये वेबसाइट HTTP है HTTPS, तो ये वेबसाइट ओपन है, इसको कॉपी करो, यहाँ से कॉपी करा और नोटपैड पे जाके क्या कर दो, इसको पेस्ट। अब इसके आगे क्या लिखा रहा है, HTTP। तो ये कौन सी वेबसाइट है, HTTP। ये सिक्योर होती है? नहीं नहीं। चल बढ़िया, आ जाओ दूसरी सर्विस पे। नेक्स्ट सर्विस बहुत बढ़िया है, देखो डायग्राम तो याद रहेगा ना जी। यूजर मॉडेम और आईएसपी, ईएसपी और एचटीटीपी सर्विस का पोर्ट नंबर 80। बड़े, अब देखो यूजर दोबारा डाटा जनरेट कर रहा है, ये मानेगा नहीं, जब तक ये करता रहेगा तब तक वो सही कंप्लीट नहीं होगा। इसने डेटा जनरेट करने के लिए क्या ओपन करी, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का नाम g.c गूगल क्रोम, और अब टैब नंबर कितना होगा, टू, क्योंकि एक टैब हम पहले यूज कर चुके हैं, यस और नो। और टैब नंबर टू पे इसने क्या लिखा, CCNP। अब जैसे ही इसने CCNP लिख के, नईम जी, जैसे इसने CCNP लिखा, एंटर करा, जैसे ही एंटर करते हो आप, तो आप क्या जनरेट करते हो, डेटा, डेटा याद रखना है हमेशा जी सर। जैसे ही डेटा जनरेट करा आपने, वो डेटा मॉडेम पे गया, मॉडेम ने आईएसपी को दिया, आईएसपी ने मॉडेम को, मॉडेम से यूजर पे। अब यूजर पे आते ही यूजर ने देखा, मैंने डेटा जनरेट ही किससे करा था, ऐप से, ऐप से दे दिया उसने एप्लीकेशन को, कोई इशू नहीं है। अब जो वेबसाइट आई आपकी गूगल क्रोम की टैब पे, वो क्या लिखा हुआ है पढ़िए, https://cnp.com। अब बताइए कौन सी वेबसाइट यूज कर रहे हैं आप, कौन सी सर्विस वाली, https HTTPS। अब ये कैसी सर्विस है, पहले इसका थ्योरी पढ़ेंगे। देखो अब थ्योरी देखो, HTTPS, तो देखो HTTP की कहानी पहले पढ़ लो, इसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S का मतलब होता है सर्विस, सिक्योर, क्लियर है। अब देखो इसमें क्या होता है, व्हेनेवर यूजर ट्राइंग टू सेंड अ डेटा ट्रैफिक फ्रॉम user trying to send data traffic, so all data traffic encoded and destination side data will be decoded. All data traffic encrypted before ट्रांजिट ओवर द इंटरनेट। इस लाइन का मतलब यह है कि इंटरनेट पे डेटा को भेजने से पहले आपका सारा का सारा ट्रैफिक क्या हो गया, इनक्रिप्ट, पासवर्ड लग गया उस पे और वो वहीं पे खुलेगा जो उसका डेस्टिनेशन है। ओके सर, जैसे आप ब्रो कोड देखते हो, एक ब्रो कोड करके वेब सीरीज आती है यूट्यूब पे, ओके सर, उसका दोस्त बात कर रहा होता है दूसरी गर्लफ्रेंड से, उसका दोस्त कहता है भाई ये बता देना, दूसरा नाम बोल देगा, जैसे बोलता है हेलो वो समझ जाता है ब्रो कोड, वो दूसरा नाम बता देता है, वैसी ये एक पासवर्ड है। जैसे आप डेटा भेजोगे, जो डेटा पे आप पासवर्ड लगाओगे वो सिर्फ डेस्टिनेशन को पता है,
ओके सर, बाद जाना है, और कोई इसको अगर ले भी लेगा तो इनक्रिप्ट जो हुआ है वो डिक्रिप्ट हो ही नहीं सकता। ओके सर, क्लियर है। अब तीसरी कनेक्शन सिक्योर इन बिटवीन क्लाइंट एंड यूजर सर्वर, सिक्योर होता है भाई पूरा का पूरा। कैसे सिक्योर होता है? विद द हेल्प ऑफ सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट कुछ सर्टिफिकेट यूज करते हो जैसे SSL और TLS वाले। क्लियर है, ओके, बात करेंगे इनके बारे में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ यूजर सेंड डेटा ट्रैफिक एंड समवन कैप्चर डेटा ट्रैफिक इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर साइड, क्लाइंट और सर्वर की बात चल रही थी, किसी ने कैप्चर कर लिया। ओके ओके, दिस डेटा ट्रैफिक इफ कैप्चर नॉट पॉसिबल टू डिक्रिप्ट, क्या नहीं होता कभी भी डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट होने के लिए पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आप सर्टिफिकेट यूज कर रहे हो कौन कौन से, SSL और TLS, उसकी वजह से। तो याद रखना एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख दे रहा हूं मैं यहां पर ऊपर, ओके, डेटा एनकोडेड एंड डिकोडेड फॉर्मेट इज ASCII और UTF। कौन सा फॉर्मेट यूज करते हो आप? ASCII और UTF। ASCII और UTF, अब कहानी ये है सर, पहले तो आप ASCII और UTF बताओ। ASCII क्या होता है? इसे बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरफेस। इसमें क्या होता है, एक एल्गोरिथम रन होती है। क्या रन होती है? एल्गोरिथम रन होती है। अब ASCII के लिए एक टेबल होती है, क्या होती है? टेबल। टेबल में आपका डेटा होता है जीरो और वन की फॉर्मेट में, इसमें जीरो वन। और जो ASCII के लिए एल्गोरिथम लगती है, जो चलाते हो एल्गोरिथम, उसका जो साइज होता है वो होता है वन बाइट। कितना होता है? वन बाइट। वन बाइट, चलो अब इतना ही समझना है। और एक और लाइन लिख सकते हो आप ASCII के लिए, ओनली सपोर्ट इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, मल्टीपल नहीं सपोर्ट करता है, इंग्लिश लैंग्वेज। दैट इज द रीजन नाउ डेवलपर विल यूज UTF, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो क्या यूज करते हैं? UTF। भाई ये भी एक एल्गोरिथम रन करता है डेटा के ऊपर, उस डेटा के ऊपर एल्गोरिथम रन करने के लिए इसके पास भी क्या होती है? टेबल। टेबल में वही फॉर्मेट है जीरो और वन। अब UTF भैया आपके जो एल्गोरिथम रन करते हैं ना, उनके जो डेटा का साइज है नईम जी, जो एल्गोरिथम का साइज है वो कितना है? 2 byte, 2 byte का। और ये जो UTF वाले पर्सन है, ये है मल्टी वेंडर वाले, सपोज कर लो, यानी ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर आपने हिंदी में बोला तो चाइना में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर आपने स्माइली भेजा तो उसको भी कन्वर्ट करेंगे, यानी मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट प्लस इमोजीज आल्सो। ओके सर, ओके सर, अब आ जाओ दूसरी बात। अब एक होता है सर्टिफिकेट SSL और TLS, ये बात कर लेते हैं। SSL और TLS क्या होते हैं मैं बता देता हूं। Whenever company provide online access web servers, इसका web server का access देती है ना online, then always use certificates, क्या use करती है? Certificates for encryption and decryption process. Okay, sir. This certificate will make your connectivity in between client and server. चलो अब आ जाओ नीचे बात पे। दूसरे जो SSL भैया है, ये लेते हैं आपकी ये यूज करते हैं SHA-256 bit encryption। अगर गलती से आपने लिख दिया I तो उसको कन्वर्ट कर देगा 256 कैरेक्टर में। ठीक है, चलो okay, और जो TLS भैया है, इनका भी जो लेटेस्ट वर्जन है 1.3 है,
और जो इनकी इंक्रिप्शन है AES 128 बिट, कितनी है 128 बिट, ये 128 बिट में डाल सकते हो और कुछ नहीं, क्लियर है? ओके सर। अब भाई यूजर के पास क्या आया इस वेबसाइट पे एंटर करते ही, लॉगिन डिटेल, यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम है एडमिन, पासवर्ड है 12345। अब इस मॉडेम से कौन कनेक्ट था आपका? यूजर। अरे ये क्या हो गया, टेढ़ी मेढ़ी की हो रही लाइन है ये, चल कोई नहीं। अब ये कौन कनेक्ट कर रखा है मैंने, अटैकर। कौन कनेक्ट कर रखा है भाई? अटैकर। अब इस अटैकर को क्या करना है, डेटा कैप्चर करना है आपका? उसने डेटा कैप्चर कर लिया, डेटा तो कैप्चर कर सकता है ना ट्रैफिक को इन्फ्लुएंस करके। अब जब इसने डेटा ट्रैफिक कैप्चर कर लिया ना नेम जी, तो ये बहुत खुश हो गया, ये कह रहा है अब तो मैं सब चीज देख लूंगा, पहले भी देखी थी अब भी देख लूंगा। अब इसे ये नहीं पता, अब आप देख के आयो कि मैं कौन सी वेबसाइट यूज कर रहा था पहले। अब आपकी जो वेबसाइट है ना वो है https ccnp, और अब आपका जो यूजर नेम इसके पास गया है वो देखो क्या आ रहा है जी सर, इस तरह से। अब पासवर्ड देख के तो भाग ही गया जी, यानी इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन कहीं पे भी आपको पासवर्ड विजिबल है, यूजर नेम नहीं? नहीं नहीं सर। क्यों नहीं है? ये सारा डेटा कैसा है, इनक्रिप्टेड। सारा डेटा कैसा है, इनक्रिप्टेड। चलो देख लो इस वेब, इस सर्विस को कैसे देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ गूगल जी सर। इस पे क्या बना हुआ रहा है, कंप्लीट लॉग, ये लाइन आ रही है रेड कलर वाली? नहीं नहीं सिक्योर सर, लॉग। क्लिक करो कनेक्शन सिक्योर, क्लिक करो इस पे सिक्योरली कनेक्टेड, वेरीफाई हो गए गूगल से, मोर पे करो, जनरल में जाओ। डेटा किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, एनकोड? एनकोड में सर। किसमें हो रहा है, यूटीएफ। सिक्योरिटी में जाओ और ये लाइन पढ़ लो बस, कनेक्शन इज इनक्रिप्टेड, ये SHA-256 सुनो और 128 बिट की प्लस TLS का कौन सा वर्जन 1.3। चलो एक लाइन पढ़ना पड़ेगा अब आपको थोड़ा सा, ये वाली लाइन पढ़िए बस। द पेज योर वीइंग बहुत छोटा, कोई नहीं विजिबल नहीं है तो ये लीजिए, अब दिख रहा है? क्योंकि मैं मैग्नीफायर लगा देता हूँ, क्योंकि आपको पढ़ेंगे नहीं तब तक याद नहीं रहेगा, क्योंकि मैं मैग्नीफायर से पढ़ा देता हूँ। कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, होल्ड करिए बस, ये लीजिए पढ़िए अब। द पेज यू आर व्यूइंग, द पेज यू आर व्यूइंग वाज एनक्रिप्टेड बिफोर बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट। ओके अब एक और लाइन पढ़नी है आपको, कौन सी वाली पढ़नी है देखो दिखा देता हूँ, ये वाली पढ़िए, इनक्रिप्शन मेक इट डिफिकल्ट। इधर सर, इनक्रिप्शन से पढ़िए, इनक्रिप्शन मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द अनऑथराइज्ड पीपल टू व्यू इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग बिटवीन कंप्यूटर्स, इट इज देयरफॉर अनलाइकली दैट एनीवन रीड दिस पेज एज ए ट्रैवलर ट्रैवल्ड अक्रॉस द नेटवर्क। जी सर, आप समझ में आया? जी सर, कहने का क्या मतलब है इनका, ये कह रहा है कि अगर डेटा भेजोगे भी तो उससे पहले इनक्रिप्ट हो जाएगा, पर अगर भेज भी दिया तब भी इनक्रिप्शन लॉक खोल नहीं सकता कोई, तो कौन सी ज्यादा सर्विस एक्टिव करनी चाहिए, HTTP या HTTPS? जी सर HTTPS, सिक्योर। बढ़िया, चलो आ जाओ दूसरी बात। अब तीसरी सर्विस की बात आई है तो कॉपी करे हुए इसको भाई, इधर आ जाओ। यूजर है, दोबारा डेटा जनरेट करना चाहते हैं तो फिर क्या ओपन कर ली, इस एप्लीकेशन कौन सी यूज कर रहे हैं हम, जब से गूगल क्रोम, टैब नंबर 3। चलो टैब नंबर 3 पे अब जो आप परमानेंट काम करते हो हर बार, जी सर जो आप करते हो मेरे पढ़ाने से पहले, फ्री एंटीवायरस, क्या लिखा मैंने, क्या करते फ्री एंटीवायरस, फ्री एंटीवायरस डाउनलोड करो, ये सुनो Yes, तो अभी एंटीवायरस डाउनलोड तो कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बैकएंड में सर्विस यूज करते हो आप, जैसे आपने ये लिखा ना तो आपने क्या जनरेट करा, आपने क्या जनरेट किया डेटा। अब ये डेटा किसको हैंडओवर करेगा, यूजर, यूजर मॉडम को जाएगा, मॉडम से यस ओके, और ISP क्या देगा फिर, रिप्लाई, फिर रिप्लाई यूजर, यूजर को
अब यूजर को एक वेबसाइट खुल के मिल गई जी सर, https डबल स्लैश एंटीवायरस। कौन सी वेबसाइट खोल दी मैंने? अवस्था। ओके, अब मुझे सर्विस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया। अब जैसे आपको ये वेबसाइट आई ना, आप बहुत, आपने बोला सर आज डाउनलोड हो जाएगा, आपको एक ऑप्शन मिला वेबसाइट पे। अब इस वेबसाइट पे जो ऑप्शन मिला ना, ये बॉक्स था ग्रीन कलर का, इस बॉक्स में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था डाउनलोडेड। डाउनलोड और किस किस के लिए कर सकते हो? मैक, आईएसओ, लिनक्स, विंडोज, ठीक है भाई? ओके, सबके लिए कर सकते हो इसको डाउनलोड जी सर। प्रॉब्लम ये आई कि आप इस वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो कुछ नहीं? चलो देख भी लेते हैं। चलो क्या बोल रहे हैं, एंटीवायरस डालो जी। कोई भी खोल लेते हैं, पहली वेबसाइट ये आ गई जी सर, ऐड आ रही थी ना। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा रहा है? फ्री डाउनलोड। अभी वो बताओ नईम जी, क्या अपलोड कर बात सकते हो इस पर कुछ चीजें? नहीं सर, अपलोड नहीं कर सकते हैं, सिक्योर अपलोड नहीं हो सकता, प्रोसेस ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब इसके बैकएंड में डेवलपर ने जो है ना बहुत सारे कोड डाल लगे, उन्होंने कोड में क्या लिख रखा है, इफ यूजर यूजर ट्राइंग टू डाउनलोड उसको क्या कर दो, अलाउ, उसने अलाउ कर दिया, ट्राइंग टू अपलोड, ब्लॉक, क्या कर दो उसको, ब्लॉक। क्लियर है? चल ओके सर। अभी ये जो आप प्रोसेस करते हो ना डाउनलोड और अपलोड, इस प्रोसेस के लिए आप एक सर्विस उठा के लाते हो, कौन सी? एफटीपी, इसे बोलते हैं फाइल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूज टू अपलोड एंड डाउनलोड प्रोसेस। क्लियर है? ओके सर। एफटीपी यूज अ पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर 20 21, ठीक है? अब देखो, ओके, अब याद रखना एक पोर्ट नंबर क्या बनाता है, कनेक्शन, कनेक्शन, वन पोर्ट यूज फॉर कनेक्शन एंड अनदर पोर्ट यूज फॉर डाउनलोड डाउनलोड अपलोड प्रोसेस, ठीक है? ओके सर, ओके सर। दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं सर। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट सर्विस पे। कॉपी कर लो डायग्राम। ओके सर। अब देखो यूजर को दोबारा क्या ओपन करनी पड़ती है, दोबारा से एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ओके सर, टैब नंबर बताइए, 4। बहुत बढ़िया, टैब नंबर से मुझे याद रहता है क्लास में ही आप जी सर, टैब नंबर 4। अब टैब नंबर 4 पे आपने लिखा CCN, ओके सर। लिखने से पहले आपको समझना पड़ेगा लिखा क्यों है। देखो क्या होता है, ISP जो है ना जी सर, किसी भी वेबसाइट पे ट्रैवल करा देता है। कैसे? सॉरी सर क्या बोले? ISP आपको किसी भी वेबसाइट पे ट्रैवल करा देता है। कैसे करा देता है? सर्विस एक्सेप्ट। वो क्या कहता है ISP? ISP कहता है कि मैं बैकएंड में एक सर्विस यूज करता हूँ। ओके सर। DNS, DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, सिस्टम, ओके ओके सर, डोमेन नेम सिस्टम। किस लिए यूज होती है? इट यूज्ड टू रिजॉल्व सॉल्व द नेम ऑफ द स्ट्राइक एड्रेस, नेम नेम टू आईपी नेम DNS, ओके, यूज्ड टू रिजॉल्व नेम टू आईपी DNS अगेन, यूज पोर्ट नंबर 53। कितना यूज करता है? पोर्ट नंबर 53, पोर्ट नंबर 53, ओके, DNS, DNS। अब ये क्या बोलता है कि मेरे पास क्या होते हैं, मैसेजेस, मैसेजेस, मैसेजेस। पहला जो मैसेज होता है उसे बोलते हैं DNS क्वेरी मैसेज, सेकंड होता है DNS
रिप्लाई मैसेज। ओके सर। थर्ड होता है डीएनएस क्वेरी नॉट रिजॉल्व मैसेज। ओके, कितने मैसेज है बताइए? DNS query message 3 message हो गया, reply message and not resolve the message। चलिए अब देखिए, अब याद रखना जितने भी आपके domain name server होते हैं ना, domain name server types होते हैं, एक होता है locally, जी सर, एक होता है local और एक होता है global। Global, okay सर। Local का मतलब inside office LAN use, yes sir। Global का मतलब outside and inside both use publicly। Okay sir, publicly clear है? चलो okay sir। अब बात समझो, इस ISP ने एक DNS सर्वर बनाया अपने पास, उसने क्या बोला, भाई मेरे पास एक DNS सर्वर है जिसकी आईपी है 100.100.100.100। अब देखो मैं ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं एकदम एक्यूरेट वेबसाइट डाल रहा हूँ, मैं एक रैंडम डालता हूँ, कई बार बच्चे घर पे आके ढूंढने लगते हैं, तो पहले क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने उसकी डालनी है आईपी एड्रेस, यहाँ पे डालना है, यहाँ पे डालना उसका सर्विस का नाम और यहाँ पे डालना उसका साइट नेम, साइट नेम कौन सी वेबसाइट खुलेगी। अब देखो एक आईपी है 1.1.1, ओके सर, कर रहा था HTTP और वेबसाइट है आपकी CCNA 2.2.2, जी सर, HTTPS आपकी HTTPS, जी सर, वेबसाइट है आपकी Gentech Networks, ओके सर, क्लियर है इतना? चलिए बात समझिए, अब इस यूजर को CCNA पे जाना है, तो यूजर को भाई आईपी थोड़ी ना पता है वेबसाइट का, आप गूगल पे जाते हो, जी सर, गूगल का आईपी बता सकते हो अभी एंटर करते ही, जैसे मैंने लिखा गूगल, आप बता सकते हो आईपी क्या है इसकी? नहीं सर, आपने तो नहीं कर लिया और आपको क्या मिल गया, वेबसाइट एक्सेस, जी सर। अब देखो क्या होता है कि आईएसपी के इंजीनियर मॉडेम पे गए और मॉडेम पे बोला कि डीएनएस सर्वर की भैया आईपी है 100.100.100.100, याद रखना। अब यूजर ने लिखा CCNA, क्या लिखा? CCNA, और जैसे ही मोहल्ले में CCNA टाइप करा, इन्होंने भैया ने एक मैसेज जनरेट कर दिया, क्या जनरेट करा, इन्होंने बोला मुझे आईपी नहीं पता थी इसकी, खोलूंगा कैसे, तो आई एम सेंडिंग DNS, क्या भेज रहे हो आप मोहल्ले में, अब DNS क्वेरी DNS query में भेज रहे हो आप, हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, CCNA कौन है? जी सर, CCNA है कौन? कौन? जी सर, मुझे उसका आंसर दो, आंसर में क्या बताओ उसकी आईपी दे दो, आईपी बताओ, तो ये क्वेरी मैसेज जाता कहाँ पर है, पहले मॉडेम पे, मॉडेम ने देखा क्या मांग रहा है ये, तो आंसर आईपी मैं तो दे नहीं सकता, इसने बोला डीएनएस सर्वर को भेजो, और आईएसपी किसको हैंड ओवर कर दिया, मॉडेम को, डीएनएस सर्वर को, अब आईएसपी ने लिया और डीएनएस को दे दिया, क्योंकि ढूंढ किसको रहे हो, CCNA की वेबसाइट को, अब जैसे सर्वर पे आपकी रिक्वेस्ट आई, सर्वर ने देखना चालू करा कि CCNA है कोई वेबसाइट, देखना मुझे बताना, जी सर, है कोई वेबसाइट नेम, जी जी सर, कौन सी है, आईपी क्या है, http://1.1.1, तो अब आईएसपी को मिल गया, आईएसपी तो क्या हुआ खुश, उसने भेजा रिप्लाई, अब यूजर को क्या रिसीव हुआ आईएसपी से, क्वेरी का क्या रिसीव हुआ, आईपी, अब उसने आईएसपी ने क्या बोला, डियर ये है डीएनएस क्वेरी रिप्लाई, आंसर में है आईपी, क्या भेजूंगा, आईपी, आईपी आपने बोला था क्वेश्चन, जी सर, क्वेश्चन था CCNA कौन है, और मैंने लिख दिया आंसर, उसका आंसर है 1.1.1, ये वाले बंदे से बात कर लेना, क्लियर है, अब ये रिसीव हुआ और यूजर के पास कौन सी वेबसाइट खुल गई, HTTP CCNA,
ccna.com क्लियर हुआ इतना? ओके सर। अब दूसरे टैब खोलूं भाई? जी सर। यहां तक कोई डाउट हो ना नईम जी पूछ लेना। नहीं सर कोई डाउट नहीं। टैब नंबर? जी सर 5। और मोहल्ले में क्या एंटर करने वाला हूं मैं? टेली को बताओ, यहाँ पे लिख दिया एबीसी। एबीसी ओके सर। अब जैसे ही एबीसी लिखा फिर यूजर ने क्या जनरेट कर दिया? क्वेरी। क्वेरी याद रखना, ये जो मैं बता रहा हूँ सेम यही प्रोसेस होगा, दिखाऊंगा भी। ओके सर। और पूछूंगा भी मैं बाद में। डीएनएस क्वेरी? जी सर। डीएनएस क्वेरी में क्वेश्चन है एबीसी। एबीसी ओके सर। क्या मांगोगे उससे? अब आप अपना एबीसी का आईपी आईपी दे भाई। आईपी बोलोगे आप? आईपी दे दो मुझे। जी जी। मॉडेम के पास गया, मॉडेम ने डीएनएस को दिया, आईएसपी को दिया, आईएसपी ने किसको दे दिया? सर्वर को। बिल्कुल अब आ गए आप लाइन पे। सर्वर को देते ही सर्वर ने चेक करा एबीसी मोहल्ले में है क्या कोई, देख के बताना। नहीं है। एबीसी तो मिली नहीं। अब आईएसपी मोहल्ले में जाके एक मैसेज भेज दिया यूजर के पास, और यूजर को मिलता है ये वाला मैसेज। देख के आप खुद ही बोलोगे सर ये मैसेज आता है मुझे। This site cannot be. कभी आया है वाला मैसेज? यस सर जर्नी में आया ना, जनरली आता है ना बहुत सारे टाइम। जी सर। जी सर मतलब होता है क्या नहीं हुआ आपका क्वेरी का? नहीं है इस साइट पे अवेलेबल नहीं है। डीएनएस क्वेरी नॉट रिजॉल्व। यस सर। और ये मैसेज जब ही आता था। ओके एक और बात कर लेते हैं, फीचर पढ़ने थे ना। चलो जी सर। एक लेयर को पढ़ाने में एक घंटा लगता है कम से कम। जी। फीचर होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन। बहुत बढ़िया मजा आएगा। देखो आपको नोटिफिकेशन। जी सर। देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन नेम जी कैसे पढ़ सकते हो? दो बंदे बना लेते हैं यहाँ पे, एक यूजर मोबाइल पे है, एक यूजर यहाँ पे मोबाइल पे। ओके सर। एक का नाम है बॉब और एक का नाम है सैम। अब बॉब ने व्हाट्सएप खोला। जी सर। व्हाट्सएप खोला तो उसने क्या कर रखा होता है? मोबाइल डेटा को ऑफ ऑन। मोबाइल डेटा क्या कर रखा उसने? ऑन ऑन। मोबाइल डेटा ऑन करके उसने क्या भेजा आपको? एक हाय मैसेज। लेकिन सैम ने क्या कह रखा है? व्हाट्सएप तो ऑन है लेकिन मोबाइल डेटा क्या कर रखा है? ऑफ। अब भैया जो बॉब थे ना उनके पास एक मैसेज आ रहा बड़ा बड़ा स्क्रीन में। लास्ट सीन। ओके सर। 920। इसका मतलब क्या बोलते हैं कि मैं ऑनलाइन हूँ या ऑफलाइन? यूजर ऑनलाइन है ऑफलाइन है डेस्टिनेशन वाला? ऑफलाइन है लास्ट टाइम शो दिखा रहा है। नहीं नहीं इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या यूजर जिसको आप भेजना चाहते हो वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? ऑफलाइन है सर लास्ट सीन दिखा रहा हूँ। कौन है बॉब है या सैम है? सैम है। सैम है याद रखना। अब ये जो लास्ट सीन है इसने आपको क्या बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑफलाइन के थ्रू पता चला व्हाट्सएप ऐप के थ्रू। एप्लीकेशन के थ्रू। किसके थ्रू? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के थ्रू। एप्लीकेशन के थ्रू। क्लियर है? चल जी सर। एक और एग्जांपल ले लो। बॉब एक ब्राउजर यूज कर रहा है क्रोम। ओके सर। और क्रोम पे लिखा आ रहा है ये वाला मैसेज नो इंटरनेट कनेक्शन। इसका मतलब क्या है? ये मैसेज किसने भेजा है आपको? एप्लीकेशन ने भेजा। एप्लीकेशन को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिली नहीं है तो इसलिए आया नहीं है। जी सर। नोटिफिकेशन क्या होता है? जैसी मोबाइल डेटा ऑन हुआ, जैसी मोबाइल डेटा क्या हुआ? ऑन ऑन। और आपके पास क्या लिखा गया? हाय मैसेज सैम ऑनलाइन। आ गया मैसेज? जी जी। और कई बार आपके पास विंडोज मशीन पे ये जो वाईफाई है यहाँ पे नेटवर्क पे बना आता है विंडो अपडेट करनी है तो उसका भी फायरवॉल का भी आएगा। जी सर। क्लियर है? चलो एप्लीकेशन क्लियर हुई। 10 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं फिर हम आएंगे दोबारा से।